हेलो स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टार्ट सब्जेक्ट इंग्लिश स्टैंडर्ड फर्स्ट चैप्टर नंबर टू जिसका नाम है आफ्टर अ बाथ यानी कि नहाने के बाद। यहाँ पे एक छोटा सा लड़का है, वो कैसी कैसी हरकतें करता है, क्या क्या करता है और क्या बातें करता है अपने साथ, वो इस पूरी पोएम में आपको बताया है। इसलिए इस पोएम का नेम है आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद के समय में। तो आप सबको पता ही है कि पहले भी मैंने पहला स्टैंडर्ड फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट है जो मैंने आपको करवाया था, उसमें भी पहले कोई भी पोएम हो या स्टोरी हो उसको पढ़ने से पहले हम लोग एक कुछ न्यू वर्ड्स है वो देखते हैं, ताकि वो न्यू वर्ड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसका मीनिंग है वो आपको पता चल जाए। फिर जब वो न्यू वर्ड्स है वो पोएम में या स्टोरी में आए तो आप उसको अच्छी तरह से समझ सकें, अंडरस्टैंड कर सकें। तो इससे पहले हम इस पोएम के कुछ न्यू वर्ड्स है वो देखेंगे। स्टैंडर्ड फर्स्ट पार्ट वन न्यू वर्ड्स यूनिट टू आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद का समय। AFTER आफ्टर यानी कि बाद में, AFTER आफ्टर यानी कि बाद में, BATH बाथ, BATH बाथ यानी कि नहाना, TRY ट्राई यानी कि कोशिश करना, WIPE वाइप यानी कि गीला कुछ, कोई भी चीज ऐसी गीली है उसे सुखाना, WIPE वाइप यानी कि सुखाना, MYSELF myself, MYSELF myself यानी कि मेरी खुद की बातें, DRY dry यानी कि सूखा, HAND hand यानी कि हाथ, FINGERS यानी कि उंगलियां, TOES toes यानी कि पैर की उंगलियां, WET wet यानी कि सुखाना, LEG leg यानी कि हमारे पैर, NOSE nose यानी कि नाक, TIME time यानी कि समय, TAKE take यानी कि कुछ चीज को लेना, SHAKE shake यानी कि ऐसे अपनी दुम को हिल में जाना, DOG dog यानी कि कुत्ता। तो ये कुछ न्यू वर्ड्स थे, वो मैंने उसके मीनिंग भी समझा दिए और उसको कैसे हम इंग्लिश में उसका उच्चारण करते हैं वो भी मैंने आपको समझा दिया है। तो ये सारे न्यू वर्ड्स है वो आप पहले यूनिट को समझने चाहे उससे पहले आपको ये अच्छे से रीड करना है और अपनी डॉक बुक में अच्छे से 2 times लिखना है और साथ साथ उसको बोलते ही जाना है। जैसे कि मैं इसको AFTER आफ्टर, तो आपको भी वैसे ही मैं बोलती हूँ वैसे ही बोलते जाना है और अच्छे से अपनी रफ बुक में 2 times लिख के इसकी प्रैक्टिस करनी है। जब ये इसके सारे मीनिंग है वो आपको अच्छे से पता चल जाए और आपको एकदम मुंह पे हो जाए तब आपको आगे का यूनिट है वो अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी पोएम आफ्टर अ बाथ, नहाने के बाद। इंजॉय दिस पोएम, इस पोएम को आप इंजॉय कीजिए। आफ्टर माय बाथ आई ट्राई टू वाइप माय सेल्फ टिल आई एम ड्राई। आफ्टर माय बाथ आई ट्राई टू वाइप myself
टिल आई एम ड्राई ड्राई ड्राई। नहाने के बाद मैं बहुत 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 सारी कोशिशें करता हूँ कि अपने आप से मेरा जो ये बॉडी है वो एकदम से ड्राई यानी कि सूखा हो जाए। नहाने के बाद मैं बहुत 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 कोशिश करता हूँ अपने आप से कि मेरी सारी बॉडी है वो एकदम सूखी और ड्राई हो जाए। तो ये पैराग्राफ में पूरा लड़का है ये बोलता है कि नहाने के बाद मैं बहुत सारी कोशिशें करता हूँ कि मेरा बॉडी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए और सूखा हो जाए। अब नेक्स्ट, हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टॉज। हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टॉज। हाथ को सुखाता हूँ और फिंगर्स को, हाथ की उंगलियों को, हाथ को सुखाता हूँ, उसके बाद हाथ की उंगलियों को एंड टॉज और पैर की उंगलियों को भी मैं सुखाता हूँ। एंड टू वेट लेग्स, और फिर मेरे दो लेग है, दो पैर है, उसको भी मैं सुखाता हूँ। एंड अ शाइनी नोज, और मेरा जो नोज है उसे भी मैं अच्छी तरह से साफ करता हूँ। Hands to wipe and fingers and toes and two wet legs and a shiny nose. मेरे हाथ को अच्छे से साफ करता हूँ, फिर हाथ की उंगलियों को साफ करता हूँ, पैर को साफ करता हूँ, पैर की उंगलियों को साफ करता हूँ और फिर मेरे नाक को अच्छे से साफ करता हूँ। Just think how much less time I had take. Just think how much less time I had take if I were a dog and could shake shake. If I were a dog and could shake shake. फिर वो क्या बोलता है कि इतना सारा पहले हाथ को साफ करता हूँ, फिर हाथ की उंगलियों को साफ करता हूँ, फिर पैर को साफ करता हूँ, पैर की उंगलियों को साफ करता हूँ, नाक को साफ करता हूँ, इतना सारा साफ करने में जो टाइम हो जाता है वो टाइम को क्या हम थोड़े से टाइम में नहीं कर सकते? इतना टाइम क्यों हमें बॉडी को सुखाने में लगता है? ऐसा कुछ नहीं कर सकते कि हम थोड़े से टाइम में हमारी बॉडी है उसको सुखा सके? फिर ये लड़का है वो बोलता है कि काश में कोई एक डॉग होता, छोटा सा डॉग होता, काश में कोई छोटा सा डॉग होता तो मेरी पूरी बॉडी है वो भी मैं, जैसे यहाँ पे देखो ये कुत्ता है वो कैसे गीला हो गया है, तो कैसे अपने पैरों से और अपनी पूंछ को ऐसे फड़फड़ा रहा है और सारा पानी है वो एकदम चारों तरफ फेंक रहा है और वो ऐसे दूम और पूछ हिल हिलाएगा तो वो उसका पूरा शरीर है वो सूख जाएगा। इसलिए इस तरह ये डॉग को देखकर ये लड़का भी बोलता है कि काश मैं भी कोई डॉग होता, मैं भी कोई कुत्ता छोटा सा होता तो ऐसे अपने पैर और पूछ फड़फड़ाने से ही मेरा शरीर है वो तुरंत ही वाइप हो जाता, सूख जाता, इतनी सारी मेहनत है वो मुझे करनी नहीं पड़ती। तो इस पोएम ने आपने पढ़ा कि कैसे एक छोटा सा लड़का है वो बताता है कि मैं नहाने के बाद कैसे कैसे मेरे सारे बॉडी पार्ट्स है उसको सुखाता हूँ और इतना सारा टाइम लगता है, तो फिर वो सोचता है कि काश मैं भी एक छोटा सा डॉग होता तो मैं भी अपने शरीर को ऐसे पूंछ और पैर फड़फड़ाने से सारा पानी है वो ऐसे गिरा देता और तुरंत ही सूख जाता, इतना सारा टाइम नहीं लगता। तो आपने न्यू वर्ड्स देखे, फिर ये पोएम अच्छे से समझी। तो अब ये कुछ बुक्स के न्यू वर्ड्स है वो हम देख लेते हैं। डी ओ जी डॉग, एच ओ डब्ल्यू हाउ, एम ई पी मेट, टी आर वाई ट्राई, टी डब्ल्यू ओ टू। डी ओ जी डॉग यानी कि कुत्ता, एच ओ डब्ल्यू हाउ यानी कि कितना, एम ई टी मेट यानी कि सूखना, टी आर वाई ट्राई यानी कि कोशिश करना, टी डब्ल्यू ओ टू यानी कि दो। अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस है उसको हम रीड करते हैं। आई ट्राई टू सेव वॉटर, आई ट्राई टू सेव वॉटर। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मेरी वजह से पानी है वो बच जाए, सेविंग हो जाए।
I have two ears. मेरे पास दो कान है. Two legs, दो पैर है. Ten toes, टेन पैरों की उंगलियां है. And one nose, एक नाक है. मेरे पास दो कान है, दो पैर है, दस पैरों की उंगलियां है और एक नोज है. Let's talk. Do you like to have a bath? क्या आपको नहाना पसंद है? अगर पसंद है तो यहाँ पे लिखिए yes. क्या आपको नहाना पसंद है? Yes, of course, सबको नहाना पसंद ही होता है. Can you bath yourself? क्या आप अपने आप से नहाते हो या फिर आपको मम्मी है वो नहलाती है? Can you bath yourself? क्या आपने आप से नहाते हो या फिर आपकी मम्मी है वो आपको नहाती है? तो यस और नो. अगर अपने आप से नहाते हो तो यस, अगर नहीं नहाते हो तो नो. हाउ डू यू ड्राई योरसेल्फ? आप अपने आप को कैसे सुखाते हो? तो वो जब क्लास में आएंगे तब हम लिखेंगे. हैव यू सीन एन एनिमल ड्राइंग इटसेल्फ? क्या आपने कोई भी ऐसा एनिमल, मान लो कि कैट है, डॉग है, फिर काउ है, किसी को भी देखा है कि वो जैसे पानी में भीग जाते हैं तो अपना बॉडी है वो कैसे सुखाते हैं? अगर नहीं देखा है तो अभी आप घर पे ही हो, अच्छे से आसपास बारिश का सीजन है, देखो. अगर कोई डॉग है वो पानी में भीग जाता है या फिर कोई बिल्ली है तो वो अपना शरीर कैसे ड्राई करते हैं वो आपको अच्छे से देखना है. लेट्स से पुट अराउंड व्हाट यू डू आफ्टर अ बाथ. अब आप नहाने के बाद टॉवेल के साथ आप क्या करते हैं? अगर आप ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर राउंड सर्कल कीजिए और अगर ऐसा करते हैं तो इसके ऊपर राउंड सर्कल कीजिए. तो फर्स्ट है थ्रो द वेट टॉवेल ऑन द फ्लोर. क्या नहाने के बाद आप टॉवेल को ऐसे ही गिरा देते हैं जमीन के ऊपर? यस और नो. कितने लोग ही वो ऐसा करते हैं कि नहाने के बाद टॉवेल को ऐसे जमीन पर फेंक देते हैं? कोई भी नहीं करता होगा तो इसके ऊपर हमें राउंड करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम ऐसा नहीं करते हैं. हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई. कितने बच्चे ऐसे हैं जो नहाने के बाद टॉवेल को ऐसे हैंग में, ऐसे कोई रस्सी हो उसके ऊपर सुखाने के लिए रखते है क्योंकि वो गीला हो जाता है? तो कितने बच्चे हैं? आई होप कि सारे ऐसा ही करते होंगे. तो इसके ऊपर हमें इसे राउंड करना है कि हम नहाने के बाद टॉवेल को जो गीला होता है उसको एक रस्सी के ऊपर सुखाने के लिए रख देते हैं. अब है नीचे डू यू वियर दिस थिंग. ये सारी चीजें हैं वो क्या आप पहनते हैं? अगर पहनते हैं तो यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं, उसके साथ आपको मैच करना है कि कौन सा किस किस स्पेलिंग है. तो पहला क्या है? पैंट है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ट्राउजर. तो ट्राउजर की स्पेलिंग है यहाँ पे डी, टी आर ओ यू एस ई आर एस, ट्राउजर्स. तो इसको हम डी के साथ मैच कर देंगे. फिर ये है सूज, तो सूज की स्पेलिंग क्या होती है? एस एच ओ ई एस, सूज. एफ है, उसके साथ सूज मैच हो गए तो यहाँ पे एफ के पास ले चलते हैं. फिर ये तो सबको पता ही है कि इसको हम शर्ट बोलते हैं, तो शर्ट की स्पेलिंग एस एच आई आर टी, शर्ट. ए ऑप्शन है वो शर्ट की है, तो हम ए के साथ शर्ट को मैच कर देते हैं. फिर ये है सॉक्स. सॉक्स की स्पेलिंग इंग्लिश में आपको पता होना चाहिए, एस ओ सी के एस, सॉक्स. बी ऑप्शन है वो सॉक्स का है, तो यहाँ बी को सॉक्स के साथ मैच कर देते हैं. फिर ये क्या है? कैप है. कैप का स्पेलिंग तो सबको पता ही होगा, सी ए पी, कैप. तो कैप है, उसका स्पेलिंग यहाँ सी के साथ है, तो हम सी के साथ कैप को मैच करते हैं. बचा क्या? बेल्ट. तो बेल्ट में ये ऑप्शन बाकी है, ई
BELT बेल्ट, तो इसको हम ई के साथ मैच करते हैं। तो ये सारे मैचिंग हो गए, तो अब आपको क्या करना है, ये सारे स्पेलिंग है, फर्स्ट है ट्राउजर, सेकंड है शूज, थर्ड है शर्ट, फोर्थ है शूज सॉक्स, सिक्स है कैप एंड सेवन है बेल्ट। तो ये सारे स्पेलिंग है, ये ए बी सी डी ई एफ, ये सारे स्पेलिंग है, वो भी आपको न्यू वर्ड्स के साथ पीछे ही ज्वाइन कर देने हैं। और सारे स्पेलिंग है ये भी आपको टू टाइम अच्छे से लिखने हैं, और उसकी भी स्पेलिंग आपको अच्छे से स्पीक करती जानी है, एकदम से ये सारे स्पेलिंग है वो आपको प्रिपेयर करने हैं। लेट्स डू, अब हम ये करते हैं, इसमें क्या करना है, जैसे कि ये नीडल्स यानी कि ये सोई आपको दिखाई दे रही है, तो सोई का यूज हम किसके साथ करते हैं, तो यहाँ पे धागा है, तो सबको पता ही होना चाहिए कि अगर कोई कपड़े में सिलाई करनी है, कहीं पे कुछ फट गया है, उसको ज्वाइनिंग करना है, तो हम सोई और धागे दोनों को साथ में ही यूज करते हैं। तो नीडल्स के साथ यहाँ पे थ्रेड यानी कि सोई के साथ धागा को मैच किया है, वैसे ही बेल्ट के साथ हम किसको यूज करते हैं, फिर सॉक्स के साथ कौन मैच होता है, शर्ट के साथ हम क्या पहनते हैं, और बाउल के साथ हमें क्या मिलता है, तो ये हमें मैचिंग करना है। तो बेल्ट के साथ आप सबको पता है कि आप अगर क्रिकेट खेलने जाते हो और आपके पास बैट है, पर आपके पास क्या नहीं होगा, तो आप क्रिकेट नहीं खेल पाओगे। यहाँ पे ऑप्शन है, उस ऑप्शन में से फटाफट से लिख लो अपनी बुक में, बैट के पास में क्या नहीं होगा तो आप क्रिकेट खेल नहीं पाओगे। यस, बॉल, बैट है और बैट के साथ बॉल नहीं होगा तो क्रिकेट खेलना पॉसिबल ही नहीं है। तो बैट के साथ हम बॉल को मैच करते हैं। अब सॉक्स, अगर आपने सॉक्स पहन लिए हैं, अगर सॉक्स पहन लिए और आप क्या सॉक्स के साथ चप्पल पहनेंगे, स्लीपर पहनेंगे, या फिर आप सॉक्स के साथ ये शूज पहनेंगे, या फिर ये शॉर्ट पहनेंगे यानी कि ये पैंट है वो पहनेंगे, या फिर ये स्पून, सॉक्स पहन लिए तो आप इन तीनों में से क्या पहनेंगे सॉक्स के साथ। तो सब बच्चे स्कूल आते हैं तो सबको पता ही है कि अगर हमने सॉक्स पहन लिए हैं तो सॉक्स के साथ हम शूज पहनेंगे, तो ये सॉक्स को हम शूज के साथ मैच कर देते हैं। अब शर्ट, शर्ट पहना है तो शर्ट के साथ क्या हम स्पून पहनेंगे या शॉर्ट्स पहनेंगे, तो सबको पता है कि शर्ट पहना है तो शर्ट के साथ शॉर्ट्स। अब बाउल है, कोई भी बाउल में कुछ भी खाना है, लंच है या कुछ भी है, तो बाउल के साथ आपको मम्मी क्या देगी, मम्मी आपको ये देगी कि लो बच्चे सूस ले लो बाउल के साथ, सूस से खाना खाओ, या तो फिर ये शॉर्ट पैंट ले लो पैंट से खाना खाओ, बोल ले लो, नहीं ना, तो फिर क्या बाउल के साथ स्पून यानी कि चम्मच देगी, जिससे हम कुछ भी खाना है वो खा सकते हैं। तो एक बार फिर से देखते हैं, नीडल के साथ थ्रेड, बेट के साथ बॉल, सॉक्स के साथ शूज, शर्ट के साथ शॉर्ट्स, और बाउल के साथ स्पून। तो इसे अच्छे से मैच कर लिया, तो ये भी पूरा आपको अपनी रफ बुक में टू टाइम्स अच्छे से ड्रॉ करके लिखना है। नीडल्स लिखो, ऐसे पहले ये नीडल्स वाला पार्ट लिखो, फिर ये शूज वाला पार्ट लिखो, और फिर दोनों को मैच कर दो। ये भी पूरा आपको टू टाइम्स लिखना है अपनी रफ बुक में। अब हम नीचे जाते हैं, लेट्स ड्रॉ, ड्रॉइंग करनी है यहाँ पे आपको। Draw or stick a picture of yourself and your friend here. Then complete the sentence and say them aloud. क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी पिक्चर है, कोई भी फोटो है, ये चिपकानी है, और यहाँ पे आपका कोई भी बेस्ट फ्रेंड है उसकी फोटो चिपकानी है। तो वो अगर आपके पास अभी है तो आप कर सकते हो फ्रेंड की फोटो, वरना आपकी फोटो तो आपके पास होगी, तो आपको अपनी फोटो चिपकानी है, और यहाँ पे लिखा है माय नेम इज, आपका नेम क्या है वो यहाँ पे आपको पास में लिख देना है।
ये तो हमने पढ़ा, उसमें पार्ट फर्स्ट पोएम थी, आफ्टर अ बाथ और उसकी कुछ एक्टिविटीज है वो हमने की, और उसमें से मैंने बहुत सारा वर्क दिया है, मैचिंग करना है वो टू टाइम्स लिखने हैं, कुछ न्यू वर्ड्स है वो टू टाइम्स लिखने हैं। तो अब हम देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी, द बबल द स्ट्रॉ एंड द शूज। द बबल द स्ट्रॉ एंड द शूज। बबल यानी कि आप सबको पता ही है कि हम ऐसे फुग्गा बनाते हैं, वो एक बबल है। फिर ये स्ट्रॉ, ये एक स्ट्रॉ है, हम कुछ भी ऐसे जूस सोडा या कुछ भी पीने के लिए जो स्ट्रॉ का यूज करते हैं वो स्ट्रॉ, ये बबल जो हम फुग्गा बनाते हैं वो, और शूज यानी कि हम जो पेड़ों में शूज पहनते हैं वो तीनों फ्रेंड है, और तीनों फ्रेंड की एक क्यूट सी स्टोरी है वो आपको यहाँ पे सुननी है। पर आप सबको पता ही है कि हम स्टोरी सुने उससे पहले हम क्या करते हैं, कुछ न्यू वर्ड्स से वो देखते हैं और न्यू वर्ड्स के मीनिंग क्या होते हैं वो जानते हैं। तो पहले हम न्यू वर्ड्स देखते हैं। तो ये पार्ट टू है न्यू वर्ड्स से, द बबल एंड द स्ट्रॉ। सो स्टूडेंट, आप लोगों ने फर्स्ट पार्ट में देखी एक पोएम, अब हम सेकंड पार्ट में देखेंगे एक छोटी सी स्टोरी। तो स्टोरी को सुनने से पहले हम कुछ न्यू वर्ड से वो देख लेते हैं। तो स्टोरी का नेम है द बबल द स्ट्रॉ एंड द शूज। एक बबल, एक स्ट्रॉ और एक शूज, उसकी बात हो रही है। तो हम न्यू वर्ड्स देखना स्टार्ट करते हैं। ओ एन सी ई, वंस। O N C E, once यानी कि एक। A L I V E, live। A L I V E, live यानी कि रहना। B U double B L E, bubble। B U double B L E, bubble। bubble यानी कि एक छोटा सा बलून। H T R A W, straw। H T R A W, straw। स्ट्रॉ यानी कि हम कोई जूस या फिर कोई मिल्क शेक है या फिर हम कोई वाटर मिल्क है या तो फिर हम ऐसे ही स्ट्रॉ होती है जिससे हम ऐसे बलून्स को निकालते हैं वो स्ट्रॉ। एस एच ओ ई, शूज। एस एच ओ ई, शूज यानी कि हमारा जूता। F O R E S T, forest। F O R E S T, forest यानी कि जंगल। R I V E R, river। R I V E R, river यानी कि नदी। K N O W, no। K N O W, no यानी कि कुछ जानना। C R O S S, crush। C R O S, क्रोश यानी कि आपको इस पार से उस पार जाना है, तो आप कोई रास्ता है बीच में आता है या तो फिर आपके बीच में कोई रिवर यानी कि नदी है उसको पार करके इस साइड से उस साइड तक जाते हो, तो आप उसको इंग्लिश में क्या बोलते हो, क्रॉस। F L O A T, float। F L O A T, float। float यानी कि फ्लोट यानी कि उसके ऊपर से चढ़ के जाना। एस टी आर ई टी सी एच, स्ट्रेच। एस टी आर ई टी सी एच, स्ट्रेच यानी कि खींचना। जे यू एम पी, जम्प। जे यू एम पी, जम्प यानी कि कूदना। बी आर ओ के ई, ब्रोक। बी आर ओ के ई, ब्रोक यानी कि टूट जाना। एल ओ यू डी, लाउड। L O U D, loud यानी कि चिल्लाना। L A U G H, laugh। L A U G H, laugh। laugh यानी कि हंसना। B I G B A N G, big bang। B I G B A N G, big bang। बहुत ही भयानक। तो ये थे कुछ न्यू वर्ड्स हमारी स्टोरी के। तो आप सबको पता ही है कि जैसे मैं न्यू वर्ड्स बताती हूँ वो आपको होमवर्क में करने होते हैं, टू टाइम्स लिखने हैं और अच्छे से स्पीकिंग करना है और अच्छे से इसको रिपीट करके अच्छे प्रिपेयर करने हैं। तो ये सारे न्यू वर्ड्स है वो भी आपको रफ बुक में टू टाइम्स लिखने हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी स्टोरी।
द बबल द स्ट्रॉ एंड द सूज, द बबल द स्ट्रॉ एंड द सूज। तो ये एक छोटा सा बबल है, ये स्ट्रॉ है और ये सूज है। ये तीनों फ्रेंड है, तीनों फ्रेंड की एक छोटी सी क्यूट सी स्टोरी है। तो अब हमारी स्टोरी है, हम स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, there lived a bubble, a straw, and a shoes. Once upon a time, there lived a bubble, a straw, and a shoes. एक टाइम की बात है जब तीनों फ्रेंड है वो साथ में रहते हैं। कौन तीनों फ्रेंड? बबल, स्ट्रॉ एंड शूज। एक टाइम की बात है, तीन फ्रेंड्स थे वो साथ में रहते हैं। कौन तीन फ्रेंड्स थे? ये बबल, ये स्ट्रॉ और ये शूज। वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट, वन डे दे वेंट इनटू द फॉरेस्ट। एक दिन वो तीनों है वो फॉरेस्ट यानी कि जंगल में घूमने के लिए गए। कौन तीनों? कौन फ्रेंड्स थे? बबल, स्ट्रॉ एंड शूज। वो तीनों एक दिन है जंगल में घूमने के लिए गए। They came to a river. They did not know how to cross it. They came to a river. They did not know how to cross it. जैसे ही वो जंगल में जा रहे थे घूमने, तभी रास्ते में क्या आई? रिवर यानी कि एक छोटी सी नदी आई। वो तीनों को पता नहीं चलता था कि वो तीनों उस पार, रिवर के उस पार कैसे जाए, वो रिवर को कैसे क्रॉस करे। अब आगे देखते हैं। द शूज सेड, बबल लेट अस फ्लोट ऑन यू। तभी क्या है, सूज है, ये सूज है वो बबल को बोलता है कि चलो तुम पानी में तैरने लगो, हम तुम्हारे ऊपर कुदक कुदक के उस साइड चले जाएंगे। तो देखो बच्चों, यहाँ पे ये तीनों है बबल, स्ट्रॉ एंड सूज, तीनों जंगल में घूमने जा रहे थे कि ये रास्ते में रिवर यानी कि ये नदी है वो बीच में आ गए। वो इस साइड है, उसको इस साइड पे जाना है, तो ये बीच में जो रिवर है उसको वो क्रॉस करके पार करके इस साइड कैसे पहुंचे। तो उसके लिए सूज है वो बबल को बोलता है, क्योंकि बबल तो ऐसे पानी में तैरता है। तो वो बबल को बोलता है कि तुम पानी में तैरने लगो, हम तुम्हारे ऊपर कुदक कुदक के उस साइड पहुंच जाएंगे। अब बबल है वो पानी में कूदता है या नहीं कूदता है वो हम आगे देखेंगे। No shoes, let straw stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river. क्या बोलता है बबल? No shoes, वो तुरंत ही सूज को ना बोल देता है कि मैं है वो पानी में नहीं जाऊंगा। Let straw stretch himself from one bank to the other, then we can cross the river. फिर वो बोलता है कि तुम स्ट्रॉ को बोलो कि वो ऐसे लंबा होके खींच के इस साइड से उस साइड के बीच में रह जाए, हम दोनों है उसके ऊपर से चल के उस साइड चले जाएंगे। So the straw stretch himself from one bank to the other. तो यहाँ पे देखिए कैसे ये स्ट्रो है वो इस साइड से उस साइड तक ऐसे लंबी होकर हो जाए, लंबी होकर रहती है। तो उसके ऊपर से शूज और स्ट्रो दोनों चल के इस साइड पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे वो हमें नहीं पता, पर अभी तो सिर्फ स्ट्रो है वो ऐसे लंबी होके सो गई है। When the shoes jump on the straw, it broke, the shoes fell into the water with a loud splash. When the shoes jump on the straw, it broke, the shoes
फेल इन टू द वॉटर विथ अ लाउड स्प्लैश। क्या होता है कि स्ट्रॉ तो ऐसे लंबी होके सो जाती है, उसके ऊपर से पहले कौन जाता है, सूज है, तो सूज है वो जंप मार के कूद के स्ट्रॉ के ऊपर चढ़ता है, तो स्ट्रॉ है वो टूट जाती है ऐसे बीच में से। यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है कि देखो उसके दो पार्ट हो गए और सूज है वो पानी में गिर गया। तो इस तरह क्या होता है कि वो जैसे ही सूज है वो स्ट्रॉ के ऊपर जंप मार के कूदका मार के चढ़ता है, तो स्ट्रॉ है वो टूट जाती है और टूट के सूज है वो पानी में गिर जाता है। द बबल सूक एंड शूक विथ लाफर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। द बबल सूक एंड शूक विथ लाफ्टर एंड बर्स्ट विथ अ बिग बैंग। और जैसे ही स्ट्रो है वो टूट जाती है, सूज है वो पानी में गिर जाता है, तो बबल यहाँ पे साइड में खड़ा हुआ जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के हंसने लगता है। तो इस स्टोरी में आपने सुना कि तीन फ्रेंड्स थे। कौन फ्रेंड्स थे? बबल, स्ट्रो एंड सूज। वो तीनों एक दिन जंगल में घूमने के लिए गए। जैसे ही जंगल में वो चलते गए कि बीच में एक नदी आ गई, तो वो तीनों को नदी को क्रॉस करके उस पार पे जाना था। तो सबसे पहले सूज है वो बबल को बोलता है कि तुम तो पानी में तैर सकते हो, तो तुम तैर जाओ, हम दोनों तुम्हारे ऊपर से कुदक कुदक के उस साइड चले जाएंगे। पर सूज है वो बबल है वो ना बोल देता है, और फिर वो बोलता है कि तुम स्ट्रो को बोलो कि वो ऐसे लंबी होके सो जाए, तो हम इस साइड से उस साइड आसानी से चले जाएंगे। तो स्ट्रो है वो लंबी होके ऐसे सो जाती है। जैसे ही सूज है वो उसके ऊपर कूदका लगाता है, चढ़ता है उस साइड जाने के लिए, तो स्ट्रो है वो बीच में से टूट जाती है और सूज है वो नीचे पानी में गिर जाता है। तो वो दोनों को ऐसे पानी में देखकर बबल है वो अकेला खड़ा होके हंसता रहता है। तो अब इसके न्यू वर्ड से कुछ बात देखिए। बी ए एन के बैंक, बी यू डबल बी एल ई बबल, बी यू आर एस टी ब्रश्ड, सी आर ओ डबल एस क्रॉस, आर आई बी ई आर रिवर, एस एच ओ ई एस सूज, एस पी एल ए एस एच स्प्लैश। तो ये भी जो न्यू वर्ड्स है वो भी आपको टू टाइम्स लिखने हैं, और जो मैंने पेज में लिख के बताए हैं वो भी न्यू वर्ड्स आपको टू टाइम लिखने हैं। लेट्स रीड, इसको हम पढ़ते हैं। आई कैन ब्लो बबल्स, आई कैन वियर शूज, आई कैन ब्लो बबल्स, आई कैन वियर शूज। रीडिंग इज फन। तो कुछ क्वेश्चन है उसके आंसर आपको देने हैं। तो फर्स्ट है, नेम द थ्री फ्रेंड्स। कौन वो थ्री फ्रेंड्स थे साथ में जंगल में, बताओ फटाफट बताओ। हाँ, कौन वो तीन फ्रेंड्स थे? तो यहाँ पे मैंने लिखा ही है बबल, स्ट्रो, सूज। वेयर डिड दे गो वन डे, वेयर डिड दे गो वन डे। एक दिन वो तीनों फ्रेंड कहाँ पे गए, कहाँ पे घूमने के लिए गए थे? यस, जंगल में। तो जंगल को इंग्लिश में फॉरेस्ट, F O R E S T, forest. What did they want to do? What did they want to do? वो तीनों क्या करना चाहते थे? तो जंगल में जाते ही क्या आता है बीच में, नदी यानी कि रिवर। तो वो रिवर को क्या करना चाहते थे, क्रॉस करना चाहते थे। तो यहाँ पे क्रॉस द रिवर। अब आपको ये ब्लैंक्स है वो आपको फिल करनी है, ये बॉक्स है उसमें से चूज करके। तो फर्स्ट है, द स्ट्रो ब्लैंक हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। द स्ट्रो ब्लैंक हिमसेल्फ फ्रॉम वन बैंक टू द अदर। स्ट्रो है वो क्या करके, एकदम खींचाव करके, एकदम खींच के जब वो लंबा होता है तब वो दूसरे फ्रेंड से वो इस साइड से उस साइड जा सकते हैं।
तो उसमें क्या आंसर आएगा? स्ट्रेच। तो यहां पे मैं लिखती हूं स्ट्रेच्ड। द सूज ब्लैंक ऑन द स्ट्रॉ। सूज है वो क्या करता है? स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है। तो जंप का ये शूज है वो स्ट्रॉ के ऊपर जंप करता है। द बबल ब्लैंक एंड ब्लैंक विथ लाफ्टर एंड ब्लैंक विथ अ बिग बैंग। द बबल शूक एंड शूक, चिल्ला चिल्ला के जोर जोर से, लाफ्टर यानी कि हंसता है और एकदम भयानक सा दिखाई देता है। तो ये सारी ब्लैंक्स है वो भी आपको अच्छे से टू टाइम लिखनी है रब बुक में। इसमें मैंने आंसर भी लिख दिए हैं, सिर्फ आपको देख देख के ये टू टाइम्स आपको रब बुक में लिखनी है। अब आपको यहाँ पे कुछ नंबर दिए गए हैं, वो नंबर्स के साथ ये बॉल से उसको गिन के काउंट करके मैच करना है। मैच द बॉल विथ देयर नंबर्स, नाउ ट्रेस द नंबर। पहले तो बॉल को काउंट कीजिए, फिर जितने भी नंबर्स आते हैं उसको इसमें से सर्च कीजिए और उसके साथ मैच कीजिए। तो चलो हम काउंट करना स्टार्ट करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो ये कितने हैं? 7। तो यहाँ पे कहाँ पे आपको 7 दिखाई दे रहा है? 7 का स्पेलिंग SEBEN, 7। तो यहाँ पे है, तो पहले इसको हम डॉट डॉट है उसको हम इसे शार्प कर देंगे, तो ये 7। अब इसको हम मैच कर देंगे 7 के साथ। अब इसका काउंट कर लिया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो ये 8 के साथ मैच हो गया है। अब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 9 कहाँ पे? 9 कहाँ पे है? यहाँ पे। तो 9 के साथ मैच करते हैं। अब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये 10 है, तो इसको हम 10 के साथ मैच कर देते हैं। तो इस तरह से सारा मैचिंग है वो हो गया। अब यहाँ पे देखिए, थिंक टाइम, सोचने का टाइम है। अब आपको क्या करना है? सोचना है ये पिक्चर देख के। लुक एट दिस ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट है उसको पहले अच्छे से देख लीजिए। पुट देम इनटू अ टब ऑफ वाटर, फिर क्या करना है? एक छोटा सा टब है उसको पूरी तरह से उसमें फुल पानी भर देना है। कोई भी बाथ टब हो या तो फिर छोटा सा टब हो उसे पूरा पानी से भर देना है। से विच वन विल फ्लोट एंड विच वन विल सिंक, फिर आपको क्या करना है कि कौन सा है? फिर आपने वो टब है वो पूरा पानी से भर लिया, तो फिर आपको ये सारी चीजें लेनी है और आपको देखनी है कि इनमें से कौन सी चीज है वो पानी के ऊपर तैरती है और कौन सी चीज है वो नीचे पानी में बैठ जाती है। तो फर्स्ट है रिबन। रिबन है क्या? वो पानी में तैरती है। आपको घर पे इसका एक्सपीरियंस, जो भी चीज है इसमें से आपके पास घर पे, उसको आपको घर पे टब पानी का भर के उसमें आपको घर पे ये एक्सपीरियंस करना है। ये अच्छी सी एक गेम है, आप अगर घर पे करोगे तो आपको इससे साइंस का कुछ जानने को भी मिलेगा और आप अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे, थोड़ा सा फन भी हो जाएगा। तो पानी का टब भर लिया, फिर क्या करना है? रिबन है अगर आपके पास तो रिबन को पानी के टब में डालिए।
अगर ये पानी में तैरता है तो इसको एक साइड में रखिए, अगर ये पानी के नीचे तलिए पे बैठ जाता है तो उसको दूसरी साइड रख दीजिए। फिर है फेदर, फेदर यानी कि कोई भी एकदम सा स्मूथ सा पीछा है उसको लीजिए। वो पानी में तैरता है तो उसको जो चीज तैरती है उसके साइड पे रख दीजिए, अगर नहीं तैरता है तो जो चीज नहीं तैरती है उसके साथ रखिए। फिर मार्बल यानी कि ये छोटी छोटी जो कांच की एकदम से लखोटियां होती है उसको देखना है कि वो पानी में तैरता है या नहीं तैरता है। फिर लीफ, कोई भी पत्ता ले लीजिए, कोई भी झाड़ से एक पत्ता लीजिए और वो पानी में तैरता है या नहीं तैरता है वो देखिए। स्टोन यानी कि एक पत्थर लीजिए और फिर देखिए टब में डाल के कि वो पानी में तैरता है या नहीं तैरता। फिर स्टिक, एक लकड़ी लीजिए छोटी सी, उसको पानी के टब में डालिए, वो तैरती है कि नहीं तैरती है वो देखना है। फिर एक पेपर, छोटा सा पेज लीजिए उसका टुकड़ा और उसको देखिए कि वो पानी के अंदर तैरता है या फिर उसके अंदर बैठ जाता है। स्ट्रॉ जो हम जूस पीने के लिए यूज करते हैं वो वाले स्ट्रॉ को भी देखिए। सूज को डालिए पानी के टब में, क्या सूज है वो तैर जाते हैं या पानी के नीचे बैठ जाते हैं। फिर स्पून, चम्मच को लीजिए। तो इसमें से जो भी चीज आपके घर पे अवेलेबल है उसके साथ आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, पानी का टब भर के देखना है कि ये उसके साथ तैरती है या फिर उसके नीचे बैठ जाती है। तो आई होप कि स्टूडेंट आप ये प्रैक्टिस है वो घर पे करेंगे और इसका मजा उठाएंगे। तो स्टूडेंट ये था आपका यूनिट नंबर 2। तो ये पूरा यूनिट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा और आपको ये लास्ट वाली प्रैक्टिस है वो घर पे अच्छे से करनी होगी और मैंने जो बीच बीच में होमवर्क बोला है वो भी आप अच्छे से अपनी रफ बुक में लिखिए और इसमें जो जो न्यू वर्ड्स दिए हैं उसको अच्छे से, अभी आपके पास टाइम है तो अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए ताकि जब आप स्कूल पे आए तो आपको वो इंग्लिश इतना टफ ना लगे, इंग्लिश के वर्ड है वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू स्टूडेंट।